नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम कटहल की सब्जी बनाएंगे। कटहल की सब्जी दो तरीके से बनाते हैं, उबाल करके भी बनाई जाती है और कटहल को कच्चा काट करके भी बनाते हैं। तो आज हम कटहल को कच्चा काट करके डायरेक्ट छौंक करके सब्जी बनाएंगे। तो आइए, कटहल की सब्जी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देखते हैं। कटहल ये 250 ग्राम है, जीरा पाउडर आधा छोटी चम्मच, हींग एक पिंच, हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच, धनिया पाउडर एक छोटी चम्मच, हरी मिर्च एक जो बारीक काट ली है, नमक आधा छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार, गरम मसाला एक चौथाई छोटी चम्मच, अमचूर पाउडर आधा छोटी चम्मच, हरा धनिया एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ, तेल सब्जी बनाने के लिए। पहले हम कटहल को काट के तैयार करेंगे। तो कटहल को काटने के लिए थोड़ा सा तेल हम अपने हाथ पर लगा लेंगे, क्योंकि इसका जो कटहल का चिपचिपापन हाथों में बुरी तरीके से चिपक जाता है, तेल लगाने से वो नहीं चिपकेगा। तो ये हमने थोड़ा सा तेल लगाया और हम कटहल को अब काट लेंगे। कटहल की सब्जी के लिए हमें कटहल कच्चा ही लेना चाहिए, पके कटहल की सब्जी अच्छी नहीं बनती। तो कटहल काटने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये हम कटहल के जो बीज के ऊपर छिलका होता है वो भी हम निकालते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने कटहल को काटा और जो बीज हैं उनको निकाला और उनके ऊपर से छिलका भी हटाते जाएंगे। सब्जी को उबाल कर भी बनाएंगे, तब भी हमें उबाले हुए कटहल से भी ये छिलके निकालने होंगे, क्योंकि कटहल के बीजों के ऊपर जो छिलका है वो थोड़ा सा सख्त होता है और मुंह में जाने पर वो कटहल के स्वाद को ख़राब करता है। इसीलिए हम इसे काटते समय ये सावधानी है कि सारे छिलके हम कटहल के बीजों से हटा दें। हमारा कटहल कट गया है और अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हम इसमें ये हींग जीरा डाल रहे हैं। जीरा थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। जीरा हमारा हल्का भुन गया है और अब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये हरी मिर्च। मसाले को हल्का सा भूनेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च। मैं लाल मिर्च थोड़ी कम डालती हूँ, क्योंकि मुझे कम तीखा पसंद है। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद हो तो लाल मिर्च आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब हम ये कटहल के कटे हुए टुकड़े डालकर मसाले में भूनेंगे। ये इस तरीके से हम चमचे से चलाते हुए कटहल के पीसेस को भून रहे हैं। कटहल के टुकड़ों पर मसाले की कोटिंग अच्छे तरीके से आ जाए, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। तो जस्ट 2 मिनट काफ़ी है और अब हम इसमें नमक डाल देंगे। उसी तरीके से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, कि ताकि सारे कटहल के पीसेस मसाले में अच्छे तरीके से लग जाए। ये हमने कटहल हमारा अच्छे तरीके से भून गया है और मसाले की कोटिंग भी पूरी आ गई है। अब थोड़ा सा पानी डाल के हम कटहल को पकने के लिए रख देंगे। बिल्कुल धीमी आग पर इसे ढककर पकाएंगे और 7-8 मिनट तक पकने के बाद इसे चेक करेंगे। ये देखिए, मैं जस्ट
दो टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ, ये काफ़ी है। हम धीमी आग पर पकाएंगे, तेज आग बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि सब्जियाँ धीमी आग पर अच्छी स्वादिष्ट बनती हैं। ये कटहल को हम ढककर के अब धीमी आग पर पकने देंगे। धीमी आग पर पकी हुई सब्जियाँ स्वादिष्ट बनती हैं, और तेज आग पर अगर सब्जी पकाएं तो पानी जल्दी से भाप बन के उड़ता चला जाता है, सब्जी हमारी अच्छे तरीके से पक नहीं पाती। ये सब्जी हमारी कुक होने वाली है, और ये सब्जी धीमी आग पर पक रही है। धीमी आग पर बनी हुई सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, क्योंकि मसाले अंदर तक जाकर सब्जी को बड़ा स्वादिष्ट बना देते हैं। तो एक दो मिनट और हम इस सब्जी को पकने देते हैं। ये सब्जी हमारी कुक हो गई है, कटहल के टुकड़े नरम हो गए हैं। तो अब हम गैस तो बंद कर देंगे और सब्जी में गरम मसाला डाल करके मिला देंगे। थोड़ा अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर हम हमेशा सब्जी में बाद में डालते हैं। गरम मसाला, अमचूर पाउडर, ये हम बाद में डालते हैं, क्योंकि अमचूर पाउडर पहले डालने से सब्जी देर में कुक होती है, और गरम मसाले की खुशबू बाद में डालने से ज़्यादा महकती है। तो ये हमने मिला दिया, और अब मिलाएंगे हम हरा धनिया। हरा धनिया भी बाद में डालने का यही कारण है कि इसकी खुशबू ज़्यादा महके। तो ये कटहल की सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। कटहल की सब्जी तैयार है। ये कटहल की सब्जी हमने 250 ग्राम कटहल से बनाई है। इतनी सब्जी परिवार के चार लोगों के लिए काफ़ी है, क्योंकि कटहल की सब्जी साइड डिश के रूप में बनाई जाती है। आप इसके साथ एक पतली सब्जी या दाल ज़रूर बनाइए, और कटहल की सब्जी बनाइए। अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।